क्या है मेरी साल मेरी जो उम्र है 19 साल उम्र है मेरी, 10 साल मेरे परिवार को कौन पालेगा और कैसे मेरे परिवार आगे बढ़ेगा। ये सरकार जो कर रही है ड्राइवर से बहुत गलत कर रही है, और ये कोई सोचता होगा ड्राइवर एकता एक नहीं है, ये ड्राइवर एकता एक है, ड्राइवर सारे एक साथ है। तब पेट्रोल लिया होगा एक काम करो ट्रेन भेज दो, यहाँ तक पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म है, भेजो ना ट्रेन भेजो हवाई जहाज से भेजो। बाहर रह लेंगे, इनमें क्या रखा है 10 लाख, कौन देगा 10 लाख रुपए ये तो बताओ। सरकार ने तो कह दिया 1 मिनट से पहले किसी जिसके घर में 10 जने खाने वाले वो कहाँ से खाएंगे। क्या ये ट्रक ड्राइवर है जो सड़क पर लेट करके जो है विरोध कर रहे हैं, और इनके अंदर आक्रोश जो है देखने को मिल जाएगा। हालांकि अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इसे ट्रक ड्राइवर काला कानून का जो है दर्जा दे रहे हैं, काला कानून वापस का जो है जिक्र कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो है आखिर ट्रक ड्राइवर चाहते क्या है। हालांकि बार बार जो है अमित शाह जी का जिक्र लिया किया जा रहा है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ मर जाएंगे पर कानून, अरे सुनिए मैं कानून लागू नहीं होगा ये। एक मिनट, मैं ये कहता हूँ कि जो है अगर ऐसा चीज है भी तो आप लोगों के जो है जो आप लोग के एसोसिएशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इनके जो नेता है जो लोग है वो क्या बातचीत कर पा रहे हैं? अभी तो आप लोग सिर्फ ट्रक ड्राइवर हैं जी सर, तो जी, क्या आपके जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे बात विचार हो पा रही है नहीं हो पा रही है? अभी अभी हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, हमारे सारे हैंगे वो आप ही से हैं, कहाँ हैं? राजेश यादव जी आगे आइए। ठीक है, हाँ आप बताइए। ड्राइवर हो रहे हैं जी, ये कानून वापसी लेना पड़ेगा, जान दे देंगे हम, गाड़ी नहीं चलाएंगे। यदि यदि इस चीज का संविधान नहीं हुआ तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये कानून ऐसा बन रहा है तो इससे ड्राइवर जो है बड़ा संचेत होकर के चलाएगा और एक्सीडेंट की थोड़ी घटना जो है बाई चांस हो भी गया। यदि सुनो सुनो सभी भाइयों सुनो, यदि 7 लाख हमारे पास होते हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, हम अपनी दुकान पर चुने की हम जूता चप्पल कुछ भी करेंगे, लकड़ी बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना काम करेंगे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। यदि इतनी हुआ तो ये क्यों मना कर नहीं चलाएंगे, ये गाड़ी नहीं चलाएंगे हम, ये हमारा कहना है, हम जान दे देंगे हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये हमारा कानून। लाइसेंस अपने दम से सबसे बड़े गाड़ियां बेच के घर रह लेंगे, इनमें क्या रखा है 10 लाख, कौन देगा 10 लाख रुपए ये तो बताओ। सरकार ने तो कह दिया 1 मिनट से पहले किसी जिसके घर में 10 जने खाने वाले वो कहाँ से खाएंगे, ये बताओ ना, कौन कौन खिलाएगा उन्हें? अब मैं जेल चला गया, मेरे पीछे मेरा परिवार बैठा है, उन्हें कौन पालेगा? छोटे छोटे बच्चे उन्हें कौन देखेगा? कौन देगा पैसे? कोई नहीं देने वाला। बस सरकार ने तो बैठे बैठे इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हो फिर? सरकार इंश्योरेंस वैलिड करवा रही है, 50,000 रुपए साल की इंश्योरेंस लेते हैं, क्यों ले रहे हैं हम? इसलिए तो ले रहे हैं हम भी बच के रहे, जब 50,000 रुपए हम टैक्स दे रहे हैं सब चीज कर रहे हैं तो वो सब बेकार है, उसे मत लो। पहले 10 साल कंडीशन लगा दी, गाड़ी वाला वहां मर गया, अब जब बचा कुछ है तो सब 10 लाख रुपए मार दो, 10 साल की सजा मार दो, क्या बचा? पहले 10 साल की सजा तो नियम बनाना था कि साल में 1 लाख रुपया ड्राइवर को उसमें डाल देते, ये नियम बना लेते, क्या बचता है गाड़ी में? जो फ्री का 8-10 हज़ार रुपया 8-10 हज़ार रुपया सैलरी मिलती, उसमें क्या बचता है महीने में? टाइम से तनख्वाह भी ना देता है मालिक, टाइम से तनख्वाह भी ना देता है मालिक, टाइम से तनख्वाह भी ना देता है, लाइसेंस अपने दम तक बना रखे है। जो फ्री में लोग कमवा रहे हैं ना, ये गलत है, कहाँ से देगा? ये कानून हटना चाहिए, ये जो लगा है 10 साल वाला ये हटना चाहिए, जो चल रहा था जैसे चल रहा था सही था, कोई हमें रोड पे चले जाओ कोई नहीं छोड़ता। पहली बात ये बताओ, किसी वैसे ड्राइवर से गलती हो गई हम मानने, किसी और की नहीं सिर्फ ड्राइवर गलती है, ड्राइवर की गलती के बाद पब्लिक छोड़ देगी उसे? मैं कह रहा हूँ यहाँ एक जना मार दो और एक बार हल्ला काट दो, इस ड्राइवर ने मार दिया, जितने यहाँ खड़े यही मार देंगे, दूसरों को तो छोड़ो जो खड़े वही मार देंगे। तो
पब्लिक कहाँ से कौन बचाएगा? अच्छा ऐसे हालात में बीच का रास्ता क्या निकलेगा? बीच रास्ता यही है, क्या नाम है, इसे हटाओ, कानून बदलो, जो चल रहा था पहले चल रहा था लेकिन ये नहीं चलेगा। आप लोगों ने अभी 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 क्या आप लोगों ने अभी ट्रक वगैरह रोक दिया है? सब चक्का जाम है, कोई भी ड्राइवर काम पे जाने को तैयार नहीं है, कोई भी ड्राइवर जाने को तैयार नहीं है। कानून वापस होना चाहिए, ड्राइवर एकता हो गई तो तुम राशन लिया होगा, किससे लाओगे, ट्रेन से, हवाई जहाज से? नहीं लाओगे ना, लाएगा ट्रक, छोटा हाथी, ट्रैक्टर, टम्बू, ये सब लेके आएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कोई नहीं ला सकता। पेट्रोल लिया होगा, एक काम करो, ट्रेन भेज दो यहाँ तक, पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म है, भेजो ना, ट्रेन भेजो, हवाई जहाज से भेजो। सामान आर्मी को सम्मान मिलता है, पुलिस को सम्मान मिलता है, सबको सलूट किया जाता है, हमको कोई सलूट नहीं करता। हम रात में लात खाते, घूंसे खाते, कोहरा में चलते, बादर में चलते हैं, लेट होते हैं, सब कुछ होते हैं, चार बातें पार्टी की सुनते हैं, मालिक की सुनते हैं, हमको तो कोई इज्जत देता नहीं है। साइकिल वाला भी निकला, माँ की गाली देके जा रहा है, बहन की गाली देके जा रहा है, तब भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे। लापरवाही की जो धाराएं मेरी थी वही मेरी ठीक थी, हमें कोई धारा नहीं चाहिए अतिरिक्त। हमारी जो सुकून की धाराएं थी वही सुकून की ठीक है। हमें आज कलकत्ते की मंडी 36 घंटे में थी, आज 25 घंटे में हमको देना पड़ रहा है। पार्टियां हमको ऐसे तैसे कर रही हैं, हम पब्लिक खा रही है बैठ के आराम से, हमारे लोगों की बचत खा रही है और हम ही लोग लात घूसा खा रहे हैं। तो हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी है। हम लोग सऊदी चले जाएंगे, वहाँ की कानून को हमारे लिए बढ़िया है। हमें ड्राइवरी अगर करनी होगी, जो सरकार ने कानून लागू किया है, मेरी जो उम्र है 19 साल उम्र है मेरी, 10 साल मेरे परिवार को कौन पालेगा और कैसे मेरे परिवार आगे बढ़ेगा? ये सरकार जो कर रही है ड्राइवर से बहुत गलत कर रही है। और ये कोई सोचता हो कि ड्राइवर एकता एक नहीं है, ये ड्राइवर एकता एक है, ड्राइवर सारे एक साथ है। और ये कानून को झुकना पड़ेगा, कानून को झुकना पड़ेगा। ये जितने भी सरकार है, सरकार को हम झुका देंगे। ये ड्राइवर एकता एक है और ड्राइवर एकता जिंदाबाद। चलिए, बहुत सारे तमाम जो है ये चालक है, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, तमाम तरीके के जो है चालक है, बाहर से आए हुए हैं। आप बताइए, हम सब बिहार लोग से छोड़ के आए हुए हैं, आप बताइए हम सब 7 लाख कहाँ से देख पाएंगे? अब मैं उन्हें 7 लाख रुपए, ये बिहार से आया, छोटे ट्रैक्टर है इस पे, 7 लाख रुपए कहाँ से बिहार से आया है? बिहार से। तो अलग 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 राज्यों से जो है ये ट्रक ड्राइवर है और जो है यहाँ पर जो है मौजूद, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखना काफी ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस कानून को लेकर के सरकार जो है इसमें कोई बदलाव करेगी, क्या क्या कोई संशोधन करेगी क्या, और अगर करती भी है तो किस तौर पे करती है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों का जो विरोध है वो आप देख सकते हैं, भारी तादाद में जो है लगातार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं। यदि हम इस सरकार को बना भी सकते हैं तो इसे उतार भी सकते हैं, ये हमारा संघर्ष है। ये क्या है, ये बीजेपी क्या है? ये विरोध प्रदर्शन देखने को लगातार मिल रहा है। फिलहाल जो है ट्रक ड्राइवर नाखुश है और अपनी अपनी जो भी गाड़ियां चलाते हैं उसको रोक करके बैठ गए हैं। साफ तौर पर कहना है कि पहले जो है इस पर चर्चाएं होनी चाहिए, बात विचार होना चाहिए, उसके बाद में जो है निर्णय लेंगे कि आखिर ट्रक ड्राइवर आखिर करेगा तो करेगा क्या। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीसी न्यूज़।